सुंदर से लिखना है, अक्षर से लिखना है, जो भी कुछ है एग्जाम में रेड पेन से नहीं लिखना है। याद रखिएगा, का प्रयोग करने से बचें, नए पेन का प्रयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए पेपर देखकर घबराए नहीं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम देने गए हैं, तो एकदम इजी समझ करके एग्जाम देना है। आज में आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा भी मिस हुआ, तो फिर उसके बाद पेंडिंग में आपका रिजल्ट जा सकता है, और कॉपी जो जब भी लिखेंगे पूरा अच्छी तरीके से। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूं महत्वपूर्ण टॉपिक, वो टॉपिक है एग्जाम में लिखने का सही तरीका। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं वीडियो को देखते हैं, क्या आपके लिए एग्जाम में ये रामबाण साबित होने वाला है। तो यहां पर देखिए, बोर्ड एग्जाम में लिखने का सही तरीका। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में हमको जब भी लिखना है सुंदर से लिखना है, अक्षर से लिखना है, जो भी कुछ करना है बेस्ट तरीका से करना है, राइट। तो चलते हैं, यहां पर पहला टॉपिक है आपका, लिखने के लिए दो से अधिक पेन रखें। लिखने के लिए दो से अधिक पेन, क्या आप रेड रखेंगे? नहीं, ब्लू और ब्लैक रखेंगे एग्जाम में, रेड पेन से नहीं लिखना है। याद रखिएगा, ब्लू और ब्लैक दो या तीन पेन जरूर रखें एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, आपको ये याद रखना है, नए पेन का प्रयोग करने से बचें। नए पेन का प्रयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसका रफ्तार कम होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको रफ्तार से लिखना पड़ता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी नए पेन का यूज करना है, पहले एक पेज लिखना है, पूरा एकदम स्पीड कराना है कलम को, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम हॉल में पेन को लेके जाना है, राइट। तो अब नेक्स्ट बात है आपका आ रहा है क्या, इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है, एकदम माइंड को एक्टिव करके पढ़ना है, एकदम अपने आप को वायलेंस करके पढ़ना है। ये नहीं हर बार में पढ़ रहे हैं, इधर से गए उधर से चले गए, ऐसा नहीं करना है, हर हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है आपका, पेपर देखकर घबराए नहीं, पेपर देख करके घबराना नहीं है, इस चीज से बचना जरूरी है, ठीक है। कोई भी पेपर हो, ठीक है, बड़े से बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जब आप डर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए पेपर देखकर घबराए नहीं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम देने गए हैं, तो एकदम इजी समझ करके एग्जाम देना है, फिलअप करना है, एग्जाम में बेस्ट करना है, राइट। नेक्स्ट बात है याद रखना है, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें, क्योंकि ओमार सीट में आपका कुछ भी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा भी मिस हुआ, तो फिर उसके बाद पेंडिंग में आपका रिजल्ट जा सकता है, और कॉपी जो जब भी लिखेंगे पूरा अच्छी तरीके से सजा करके लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात है आपका है, कॉपी पर साफ सुथरा लिखें, कॉपी पर साफ सुथरा लिखना है, एकदम गिजबिज नहीं करना है। याद रखिएगा, एक पेज छोड़ करके क्या करना है, लिखना है, राइट, एकदम गिजबिज नहीं करना है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका, कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, कॉपी पर सिर्फ प्रश्न संख्या ही लिखना है, इस जगह एडिट होगा। चलिए यहां पर देखना है, कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, प्रश्न संख्या, जैसे प्रश्न संख्या 1-2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार लिखें। ये नहीं कि प्रश्न वहां पर दिया गया है प्रश्न लिखना है, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, जितना जरूरत हो उतना ही लिखें, जो प्रश्न ने कह रहा है, जो क्वेश्चन ने कह रहा है, वही क्वेश्चन का जवाब देना है। 120 शब्द में कह रहा है लिखने के लिए, 120 शब्द में लिखेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को जवाब देना है, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका है टॉपिक, जो प्रश्न आ रहा हो उसे पहले हल करें, जो भी आपके मन में लग रहा है कि ये प्रश्न हमसे बनने वाला है, इस प्रश्न को सबसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि एक नंबर का बन रहा है, डायरेक्ट 24 नंबर में जाएंगे तो क्या मेरा नंबर आएगा, क्या मेरा नंबर तो नहीं कटेगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर का आ रहा है, एक नंबर जाकर के 24 नंबर का आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन प्रश्न संख्या 24 आपको लिखना होगा, प्रश्न संख्या 10 लिखना होगा, इस प्रकार आप करते हैं तो आपका नंबर कभी नहीं कटेगा, राइट, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उत्तर इधर उधर नहीं लिखें, कॉपी में जो है ना उत्तर इधर उधर नहीं लिखना है, जब इधर उधर लिखेंगे, गिजमिजाहट लिखेंगे, तो फिर उसके बाद आपका नंबर कटेगा, इस बात को हर हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आता है, महत्वपूर्ण शब्दों का अंडरलाइन करें, जैसे ब्लैक पेन ब्लू पेन, दो पेन से अधिक रखना है,
दो पेन से अधिक रखना है। अब देखिए अंडरलाइन, कोई भी किसी का परिभाषा डिफिनेशन दे रहे हैं तो उसको अंडरलाइन, इंपोर्टेंट टॉपिक का अंडरलाइन करना है। कोई भी चीज का परिभाषा है उस पर अंडरलाइन लगाना है, कोई भी प्रश्न है उस पर अंडरलाइन लगाना है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है आवश्यक चित्रों को जरूर बनाएं, आवश्यक चित्रों को जरूर बनाएं, और जो भी प्रश्न कह रहा है, जो भी प्रश्न में चित्र बनाने के लिए कह रहा है, चित्र बनाएं जरूर, एकदम अच्छा से बनाना है, कंपास लेके जाना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जिस दिन मैथ्स है उसी दिन कंपास लेके जाना है, नहीं, जिस दिन फिजिक्स भी है उस दिन भी लेके जाना है, केमिस्ट्री है उस दिन भी लेके जाना है, सब एग्जाम में कंपास लेके जाना चाहिए, एग्जाम आपका बेस्ट जाएगा। आप इस बातों को एनालिसिस करते हैं, इस बात को मन में अट्रैक्ट करते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं, मंथन करते हैं, इस प्रकार से चलेंगे तो फिर आपका एग्जाम में नंबर भी अच्छा आएगा और गांव घर शहर पूरा बिहार आपको आपको देखेगा न्यूज में। तो बस इस चीज को हमेशा अपनाइए और टॉपर बनिए और 2025 में परचम लहराइए। जय हिंद, जय भारत।